मुनावर फारूकी को ऐसे खुश देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मनारा चोपड़ा जैसे ही क्राउड के सामने आए, क्राउड ने बहुत ज़्यादा चेयरअप किया मनारा चोपड़ा को। बहुत ही अच्छा लगा, अभिषेक के लिए बहुत अच्छा लगा। बाकी तो भाई मुझे दिखाई ही नहीं दिए जो बाकी के लोग बचे हैं। इन चारों के अलावा अरुण भी जो है काफ़ी अच्छा और स्क्रिप्ट जो है रिहर्सल कर रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा कांड हो गया है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइव फीड देखने वाले लोग वेट कर रहे थे कि ये कब भेजेगा बिग बॉस बाहर, कब भेजेगा कब भेजेगा। पर बिग बॉस ने जो है ये चीज़ पता करवा दी है कि लाइव फीड जो है 3 घंटे पीछे चल रहा है और ये लोग बाहर जा भी चुके हैं, क्राउड से हेलो हाय भी बोल चुके हैं जैसे कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा। पर अभी तक ये लोग लाइव फीड में वेट कर रहे हैं, रिवीजन कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, खाना खा रही हैं, कैसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो सब चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कांड जो है बिग बॉस कर देता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे जब ऐसे सब चीज़ें करता है, प्रोमो बस निकाल दिया है। तो मुनावर ने जो 50,000 टिकट जब तक बिकती रहेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा, तो मुनावर फारूकी ने ये वर्ड्स जो यूज़ किए थे वो भी बिग बॉस ने रिपीट किए हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों को देख के। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने थोड़ा सा जो प्रोमो देखा है, सबसे ज़्यादा क्राउड में मुनावर 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 का आवाज़ जो है ये ज्यादा आ रही थी। मुनावर के फैंस जो है ज्यादा आए हैं और मुनावर इस चीज को देख के और भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप, क्या आपने ये चीज नोटिस की है? बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है किस ऑडियंस ने किसका ज्यादा नाम पुकारा है, किसकी एंट्री पे ऑडियंस जो है अपने आपे से बाहर हुई होगी, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।